किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपके अपने विश्वास चौधरी फार्मिंग चैनल पर भाइयों कोरोना के चलते गन्ना विभाग ने इस वर्ष कई नियम बदल दिए हैं इसमें एक नया नियम ये भी आया है कि इस वर्ष गन्ना किसानों को गन्ना तोल की पर्ची ना दी जाएँ आपने देखा होगा कि पिछले सत्र के आखिर में भी गन्ना किसानों की पर्चियाँ आनी बंद हो गई थी और किसानों की पर्चियाँ मोबाइल पर आने वाले एसएमएस के जरिए ही तोल होने लगी थी इस वर्ष सत्र के शुरू से ही गन्ना विभाग ने सूचना जारी की है कि पर्चियों की जगह एसएमएस के माध्यम से गन्ना क्रय केंद्रों पर तुलाई की जाए इस सब में आपको एक ध्यान रखना होगा कि आपके सट्टे पर मोबाइल नंबर आपका ही लगा हुआ है या किसी दूसरे का मोबाइल नंबर लगा हुआ है यदि आपका मोबाइल नंबर गलत है तो अपने गन्ना सुपरवाइज़र से संपर्क कर इसकी जांच कर लें और सही मोबाइल नंबर गन्ना सुपरवाइज़र को बताकर लगवा लें जिससे कि आपको आपके मोबाइल पर गन्ना पर्ची का एसएमएस आ सके किसान भाइयों गन्ना मिल चलने से पहले ही मोबाइल नंबर व अन्य कमियों का निरीक्षण कर सही करा लें बाद में मिल चल जाने पर किसान भाइयों हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों आपको अपने कर, कच्चे कैलेंडर मिल ही गए होंगे तो उसे आप अपना उसमें आप अपना बेसिक कोटा बा गन्ना पेड़ी गन्ना पौधा ये भी बड़ी सावधानी से चेक कर लें अगर उसमें कुछ त्रुटि आ रही है तो वह भी ठीक करा लें तो आप सब लोग इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आने वाले सत्र में कोई परेशानी ना आ सके तो किसान भाइयों धन्यवाद किसान भाइयों कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं धन्यवाद और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें